नमस्कार साथियों, बीए तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य इतिहास में आप सभी का स्वागत है। आज अपन बीए पाठ तृतीय में प्रथम प्रश्न पत्र प्रारंभ करने जा रहे हैं, जो पद्य पे आधारित है। प्रथम प्रश्न पत्र में आपके पुस्तक है आधुनिक काव्य संग्रह। यह आधुनिक काव्य संग्रह पुस्तक आपके प्रथम प्रश्न में 100 अंक की पुस्तक है। इस पुस्तक में अपने इससे पहले आधुनिक काल के बारे में अध्ययन किया था और आधुनिक काल के भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, ये सारी चीजें अपन ने आधुनिक काल में देखी थी। अब अपने सम्मुख आधुनिक काल में उसी प्रकार जिस प्रकार द्वितीय वर्ष में आपके रीति रस तरंगिणी पुस्तक थी, उसी प्रकार आधुनिक काव्य संग्रह जो आपके पद्य की पुस्तक है, इसमें व्याख्या है और अपन पद्य की पुस्तक में चलते हैं। तो पहला अध्याय आपके अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओर आता है, यानी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओर जी का कई परिचय आज अपन देखते हैं। पहले अयोध्या सिंह उपाध्याय द्विवेदी युग के प्रमुख कवि है, यानी अयोध्या सिंह उपाध्याय भी द्विवेदी युग के प्रमुख कवि है। और द्विवेदी युग का समय अपन ने 1900 से 1918-20 देखा था। इन्हीं के द्वारा रचित प्रिय प्रवास में रचित खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। यानी हरिओर जी ने प्रिय प्रवास महाकाव्य लिखा, उसी का वर्णन आपके प्रथम अध्याय में निहित है। देखिए हरिओर जी के कई परिचय के बारे में अपन पहले जानते हैं, फिर इनके द्वारा रचित व्याख्या। अयोध्या सिंह उपाध्याय उपनाम इनका हरिओर जी है, जन्म इनका 1865 और मृत्यु इनकी 1945 ईस्वी मानी गई है। खड़ी बोली के कवियों में इनका स्थान बहुत ही अग्रणी माना जाता है। हरिओर द्विवेदी युग के प्रमुख कवि है। इनका जन्म निजामाबाद जिला आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित भोला सिंह था। मेडल और नॉर्मल की परीक्षा पास करके निजामाबाद के मिडिल स्कूल में ये अध्यापक हो गए, यानी इनका प्रमुख कार्य अध्यापन था। अध्यापन का कार्य ये करते थे, यानी अध्यापन इनका प्रमुख पैसा था। इसके पश्चात कानून को नियुक्त हो गए, यानी ये बगावत में भी इन्होंने अपना कार्य प्रारंभ कर दिया था। इसी काल में वे साहित्य नोक्सिनल और सृजन में संलग्न रहे, यानी कानून को के दौरान ही साहित्य रचना में इनकी बड़ी रुचि थी। सरकारी नौकरी से अवकाश ग्रहण करने के बाद, यानी सेवानिवृत्त रिटायरमेंट होने के बाद, ये हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में दीर्घ काल तक अवैतनिक अध्यापक रहे। यानी वाराणसी में जो हिंदू विश्वविद्यालय है, उस विश्वविद्यालय में ये अवैतनिक बिना वेतन के
जनहित में शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए इन्होंने अध्यापन कार्य भी किया। अब हरिवंश जी की बात करें, पहले ये ब्रज भाषा में काव्य रचना करते थे, यानी पहले ये ब्रज भाषा में काव्य रचना लिखते थे, बाद में भले ही इनकी काव्य रचना का प्रमुख का आधार खड़ी बोली हो गया हो, किंतु इनकी प्रमुख जो पहली भाषा थी, बोली थी, वो ब्रज भाषा थी। और ब्रज भाषा में ही इन्होंने खूब कवित और सद्वयी, यानी इन्होंने कवित और सगैया छंद का प्रयोग किया था, यानी इन्होंने अपनी काव्य रचना में कवि छंद और सगैया छंद, इन दोनों छंदों का प्रमुख रूप से वर्णन इनके द्वारा किया गया। बाद में घड़ी बोली की काव्य रचना की ओर प्रवृत्त हुए और बाद में हरि और खड़ी बोली में काव्य रचना करने लगे। यानी पहले ब्रज भाषा में और बाद में ये खड़ी बोली में काव्य रचना करने लगे। ब्रज और खड़ी बोली दोनों में ही इनका समान अधिकार माना जाता है। रस कलश ब्रज भाषा की रचना और इनकी ब्रज भाषा की प्रमुख रचना रस कलश है। यानी रस कलश इनकी रचना को काफी प्रसिद्धि भी प्राप्त हुई और ये ब्रज भाषा की लिखी गई काव्य रचना थी, जिसका भाव भाषा शास्त्र तीनों दृष्टि से हिंदी साहित्य में अपना विशेष स्थान है। इन्होंने खड़ी बोली की काव्य भाषा को भाव छंद में अभिव्यंजना के रूप में प्रयुक्त किया। इनके द्वारा खड़ी बोली में रचित जो प्रमुख काव्य रचना थी उनमें प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, प्रिय प्रवास खड़ी बोली की प्रथम काव्य रचना 1914 में प्रिय वैदेही वनवास इनके महाकाव्य है। ये दोनों ही इनके द्वारा रचित महाकाव्य है। अन्य रचनाओं में चौके चौकदे, चुभते चौकदे, यानी चौके चौकदे, चुभते चौकदे और बोलचाल, रस कलश प्रपंच आदि हरिओं जी के मुक्तक काव्य है। यानी ये तो महाकाव्य है, ये इनके द्वारा रचित मुक्तक काव्य है। प्रिय प्रवास हरिओं जी का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। इसमें कृष्ण का अवतार के रूप में
चरित्र चित्रित न करके लोक नायक के रूप में चित्रित किया, यानी प्रिय प्रवास के प्रमुख पात्र श्री कृष्ण को लोक नायक के रूप में प्रस्तुत किया है। आगे और राधा का चरित्र चित्रण भी उसी के अनुरूप है। इनकी रचना भिन्न दुकान छंदों में की गई है। संस्कृत की समाज युक्त पदावली और क्लिष्ट खड़ी बोली का प्रयोग इस रचना में देखने को मिलता है। प्रिय प्रवास रचना में क्लिष्ट खड़ी बोली का रूप देखने को प्राप्त होता है, यानी इनके द्वारा जो प्रिय प्रवास महाकाव्य है उसमें क्लिष्ट खड़ी बोली का रूप देखने को मिलता है। द्विवेदी के अन्य कवियों की तरह हरिओम जी की कविताओं में भी आचरण की शुद्धता नैतिक मूल्यों पर बल बहुत ही गहरा दिखाई देता है, यानी उच्च आचरण और नैतिक मूल्य इनकी काव्य रचनाओं की प्रमुख विशेषता भी मानी गई है। उपदेशात्मकता का स्वर भी उनकी कविता में प्रबल है, इससे उनकी कविता में कई कई काव्य का सौंदर्य को आघात भी पहुंचता है। इनके काव्यों में एक और सरल लिंदी का सहज सौंदर्य है तो दूसरी ओर संस्कृत से मिली जुली समास युक्त पदावली भी देखने को प्राप्त होती है। काव्य में लोकोक्ति मुहावरे बोलचाल के शब्द देखने को मिले जाते हैं तथा इनकी काव्य रचना में समास बाहु अलंकृत शब्दावली का प्रयोग भी इनके द्वारा देखने को मिलता है। और इनके द्वारा जो अपनी प्रथम अध्याय में प्रिय प्रवास है जो 1914 में इनके द्वारा लिखी गई प्रमुख काव्य रचना है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। इस प्रिय प्रवास में लोक नायक के रूप में श्री कृष्ण को और लोक नायिका के रूप में राधे जी को चित्रित किया है। अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का जन्म 1866 1942 में मृत्यु कल परिचय में द्विवेदी के प्रमुख कवि है। यह बात पढ़ने जानी प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। पहले ब्रजभाषा में काव्य रचना करते थे और बाद में तभी चवैया संघ का प्रयोग इनके द्वारा किया गया। ब्रजभाषा की प्रमुख रचना इनके द्वारा रस कलश है और मुक्तक काव्य जो इनके द्वारा लिखे गए। इन मुक्तक काव्यों में चौके चौपदे चुभते चौपदे बोल चाल रस कलश परिजात और प्रेम प्रपंच ये इनके द्वारा रचित मुक्तक काव्य, जबकि महाकाव्य के रूप में प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास प्रिय का मतलब राधा के प्रियतम यानी श्री कृष्ण और प्रवास का मतलब चले जाना कहीं और, यानी ये उस समय की घटना जब श्री कृष्ण गोकुल से मथुरा गमन करते तो उस समय की लिखी गई घटना प्रिय प्रवास और वैदेही वनवास। वैदेही का अर्थ सीता होता है, वैदेही किसका दिया है सीता का, और वनवास यानी जब राम सीता और लक्ष्मण को वनवास मिला था तो राम काव्य और ये एक काव्य के द्वारा रचित कृष्ण काव्य
यानी राम काव्य और कृष्ण काव्य दोनों ही इनके महाकाव्य थे। प्रिय प्रवास के प्रमुख पात्र श्री कृष्ण थे। तो आज अपन ने अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम जी की काव्य रचना के बारे में जाना, कवि परिचय के बारे में जाना।